सीमा की बेल कैंसिल होगी, सीमा जेल जाने वाली है और मोमिन मलिक साहब जो है वो शांत बैठे हुए हैं और मेरा भाई ना बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। तो, और जितने सारे लोग वहां थे क्या सब चूड़ियां पहन के बैठे हुए थे या सब पैसे खा के बैठे हुए थे? मुझे कुछ और इनको ये पता नहीं है कि ये हमारे झंडे की तोहिन कर रही है। आप सामने सामने कैसे झूठ बोल रहे हो भाई? हम तो इतने उससे देख रहे हैं, क्यों चौथी बच्ची को नीचे रखा हुआ है जब सारा कुड़मा तुम्हारा ऊपर है? सारे क्यों? आप दिखाना क्या चाहते हो? आप ये दिखाना चाहते हो कि भैया मेरे कंट्रोल में है? अब मैं रघुपुरा वाले लोगों को बोलती हूँ चूड़ियां पहन लो, बाकी कुछ मत करो। क्यों जाना है उसको इतनी जगह? क्यों जाना है उसको? जेल जाना है भाई? वो तुम्हारी माँ की जनी पेटी है क्या? तुम्हारे माँ ने जाना है क्या उसको? फ्राइडे को जो है बहुत बड़ा एक जन सैलाब निकलने वाला है। तो मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि मनोज मस्ताना और वो दो चार ट्यूबर जो यूट्यूबर थे वो इतने बेशरम और बेगरत है, कितनी बार उनकी बेइज्जती की गई उसके बाद फिर आके वहां आ जाते हैं और इनको ये पता नहीं है कि ये हमारे झंडे की तोहिन कर रही है। ये आपस में जो है बात कर रहे हैं, रही बच्चों की स्कूल की बात, कि बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं। देखिए जिस तरह से बच्चे स्कूल में जाके वो गा रहे हैं, राष्ट्रगान गा रहे हैं, आप देखिएगा बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बच्चों ने एक शब्द भी नहीं बोला। आप सामने सामने कैसे झूठ बोल रहे हो भाई? हम तो इतने उससे देख रहे हैं, बच्चों ने अगर एक शब्द भी बोला है। आप दूसरी तीसरी बात देखिए, तीनों बच्चे ऊपर है, चौथी बच्ची कहाँ है? क्यों चौथी बच्ची को नीचे रखा हुआ है जब सारा कुड़मा तुम्हारा ऊपर है, सारे लोग तुम्हारे ऊपर हैं? इसका मतलब वो बच्ची किसी के अंडर में है नीचे, उसको ये उसको आप थ्रेड उसको थ्रेड कर रखा है कि नहीं अभी तीन ही रहेंगे? जब एपी सिंह जी द्वारा बोला जाता है फिर जबरदस्ती बच्ची को पकड़ के लाया जाता है ऊपर, क्यों? आप दिखाना क्या चाहते हो? आप ये दिखाना चाहते हो कि भैया मेरे कंट्रोल में है? अब कोई से कोई भी अगर आपके ऊपर कोई बंदा है तो आप बताओ ना। और मैं तो कितनी बार इसको सीमा हैदर को बोल चुकी हूँ, अरे क्यों बेवकूफ, तू इतनी बेवकूफ बन रही है? तेरे पास फोन है, तेरे पास सब कुछ है, क्यों तू मतलब रघुपुरा में इतने सारे लोग हैं जिनको तू जानती है, 200 तूने चैनल बना रखे हैं लोगों के, अगर उन 200 चैनलों के मालिकों ने अगर तेरी हेल्प नहीं करनी है तो क्यों तूने उनको, तू कहती है कि मैंने रोजगार दिया है, क्यों दिया है तूने रोजगार? मतलब मुझे एपी सिंह जी का ना ये कैरेक्टर तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि इस बार इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए, नहीं होता है तो इसके लिए हम दोबारा से एप्लीकेशन डलवाएंगे सर से, चाहे हमें सबको कुछ ना कुछ करना पड़े। एक ऐसा व्यक्ति जिसको पता है, जिसके हर जगह जो झंडा फहराया जाता है वहां बुलाया जाता है, क्या इस आदमी को ये पता नहीं है कि मेरे झंडे की तोहिन हो रही है? पहले तो ये साड़ी पहनाने का कोई मतलब ही नहीं होता है, और जितने सारे लोग वहां थे क्या सब चूड़ियां पहन के बैठे हुए थे या सब पैसे खा के बैठे हुए थे? मुझे तो शर्म आ रही है उन लोगों को बोलते हुए। अगर 200 लोगों के तूने चैनल बना रखे हैं, 200 लोगों में से अगर 2, 4, 5, 7 लोग भी अगर आवाज उठाए ना, तुझे 2 मिनट में बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो उसके तलवे चाटने हैं। मैं रघुपुरा वाले लोगों को बोलती हूँ चूड़ियां पहन लो, बाकी कुछ मत करो। कितना बड़ा शेर है भाई, ये कर क्या रहा है? एपी सिंह है क्या? एपी सिंह अभी तक आज की डेट तक इस केस में वकील नहीं है, क्यों डर रहे हो भैया आप लोग? उसको तो पता नहीं कहां कहां को उसने क्या क्या एक लिस्ट दे रखी है, इस केस में ये वकील, इस केस में ये वकील, ऐसा नहीं होता है। किसको भी आपको बना रहा है? वकील पकड़ तो एक ही पकड़ ना, क्योंकि अभी वकालतनामा में तेरा नाम नहीं है और तू इस तरह से बेहुदगी करने के लिए चला गया। 20 तारीख को 19 तारीख को 20 तारीख को रक्षाबंधन है तो कल ही राखी बंधवा के क्यों नहीं गया भैया? जिस बेगरत औरत का साथ दे रहे हैं ना, आप साथ भी नहीं दे रहे हैं। आप ये पता क्या है, ये सिर्फ आपके ऊपर एक बोझ था कि पिछले साल मैंने भाई पाकिस्तान के नारे लगवाए थे तो इस दिन इस बार मैं जरा हिंदुस्तान का दिल तोड़ू। कल को अगर मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसने बोला कि मोमिन मलिक साहब जो है वो शांत बैठे हुए हैं और मेरा भाई ना बहुत बड़ा कुछ करने वाला है, तो मुझे लगता है कि इन्होंने 12 अगस्त को 15 अगस्त मनाने की जो इनकी वजह है, शायद हो सकता है 14, 15 तारीख को 15, 16 तारीख को ये कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, तो हम भी इंतजार करते हैं क्या करने वाले हैं। अगर देश में जरूर कुछ भी होता है, ये पूरा त्योहार का महीना है, अगर इस महीनों में कुछ भी होता है तो उसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है एपी सिंह जी को, क्योंकि उन्होंने कल उसको ये भी बता दिया है कि ये जो नक्शा है ये नक्शा देख लो कितना बड़ा नक्शा है, आपको इतनी जगह जाना है। क्यों जाना है उसको इतनी जगह? क्यों जाना है उसको? जेल जाना है भाई। मोमिन मलिक साहब जो है इस उसको खत्म करने के कगार पे हैं और आप उसको सपने दिखा रहे हैं कि मैं उसमें मैं वो पॉलिटिक्स में आएगी। क्यों आएगी वो पॉलिटिक्स में? वो तुम्हारी माँ की जनी बेटी है क्या? तुम्हारी माँ ने जाना है क्या उसको? वो इतनी वो है क्या साफ सुथरी जो उसको आप उसमें ले आओगे, पॉलिटिक्स में ले आओगे? उसको पूरे हिंदुस्तान का नक्शा आप दे रहे हो, हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ, यहाँ से वहां जाना, वहां से वहां जाना, वहां से फिर हम अपने दुश्मन, और उसके बाद क्या बोलते हैं, वहां से हम अपने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान भी जा सकते हैं। मतलब आपका इरादा यह है हिंदू मुस्लिम करवाना? कल कोई मुद्दा नहीं था, कल कुछ नहीं था, मैंने उनको वार्निंग भी दे रखी है, शुक्रवार की वार्निंग मैंने दे रखी है। अगर ये इतनी सनातनी बन गई है तो फ्राइडे को जो है बहुत बड़ा एक जन सैलाब निकलने वाला है। अगर एपी सिंह जी आप में औकात और आप में हिम्मत है तो जाके ले जाइए, अगर ये हिंदू भाई बहन भाइयों के लिए इतना तड़प रही है ना और ये हिंदू बन गई है तो जाके ले जाइए, जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के लिए हमारी रैली निकलने वाली है ना उस रैली में ले जाइए इसको, माना चाहते हो। और झूठ बोलते हो आप इतने झूठे हो बच्चों का, आप ये बताइए भाई आपके यहाँ किसी भी बिना डॉक्यूमेंट्स के या आधार कार्ड के, बिना आधार कार्ड के या बिना मदर फादर के आधार कार्ड के, बिना फादर के हस्ताक्षर के या बिना बर्थ सर्टिफिकेट, क्या क्या किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाता है? हाँ, हमारे यहाँ एपी सिंह जी दिलाते हैं, हमारे यहाँ एपी सिंह जी दिलाते हैं। बिल्कुल सीमा की बेल कैंसिल होगी, सीमा जेल जाने वाली है और उसकी बेल कैंसिलेशन के लिए मोमिन मलिक साहब जो हैं, आपने कल सुना
कि मोमिन मलिक साहब जो है उसकी बेल कैंसिलेशन के लिए 15 तारीख के बाद पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और वैसे भी ये जेल वैसे भी जाने वाली है क्योंकि बच्चे छिन जाएंगे इससे, बच्चे जो है चाइल्ड केयर सेंटर में चले जाएंगे जब तक वो आते हैं, क्या बोलते हैं, हैदर भाई आते हैं। हैदर भाई के आने से पहले पहले उन्होंने कसम खाई है कि मैं इसको जेल में डाल के रहूंगा ताकि हैदर भाई इसको जेल में जाके मिले। तो हमें मोमिन मलिक साहब पे, अपने इदारों पे, अपने उस पे कानून पे भरोसा है भाई, हम उन पे भरोसा करते हैं। मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ जिन लोगों को ये पड़ी हुई है ना कि भाई अभी सिवा हैदर के लिए बस फरमान आए और उसको, ऐसा नहीं होता है। अभी पहले हमें बच्चों की सिक्योरिटी भी देखनी है, जिन बच्चों की वजह से वो बाहर है वो बच्चे भी तो कहीं हमें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने चाहिए। तो बिल्कुल जब बच्चे उससे छीने जाएंगे उसके बाद तो उसका कुछ वजूद ही नहीं है, उसके बाद तो उसका भाई खुद नहीं बचाएगा उसको। तो जो लोग ये चाहते हैं कि काम जल्दी जल्दी हो, तो वो उन लोगों को मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बार आप कोर्ट में जाके देखिए, क्योंकि कोर्ट में जाके आप देखेंगे ना एक दिन की कितनी सारी फाइल्स होती है ना, आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि वो जज पागल हो जाते हैं जो एक एक दिन में 300-400 केसों की सुनवाई करवाते हैं। तो एक यहाँ पे सीमा हैदर का ही केस नहीं है, और सीमा हैदर का केस आप लोग इतना शुक्र समझिए कि ये केस जो है हैदर भाई उनके पास आया है, मोमिन मलिक साहब के पास आया है, और उन्होंने ये भी बोला है जिन केसों की वो बाद में है तो मैं हैदर पे टिका हुआ हूँ। और आप ये एक बात और सुन लीजिए, हैदर भाई यहाँ आएंगे तो वो यहीं का ही वीजा लेके नहीं आएंगे, यहाँ से फिर उनके लिए नेपाल का वीजा भी बनवाना है भाई, उन्होंने नेपाल भी जाना है, नेपाल भी उनका काम है। तो आप ये मत सोचिए कि वो देर हो रही है, क्या हो रही है, सरकारी काम है, सरकारी कामों में जितना हम लोग आप अपना धैर्य बनाए रखेंगे ना इतना बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और इससे ज्यादा जल्दी तो कोई कर ही नहीं सकता जितना मोमिन मलिक साहब कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा जल्दी तो कोई कर ही नहीं सकता है। मैं लिख के देती हूँ आपको, मैं खुद हमारे पास जब कोई ऐसे छोटे मोटे केस आते हैं या वैसे केस आते हैं उन्हीं में 1.5-2 साल लग जाते हैं उन्हीं को सुलझाने में हमें, तो ये तो दो मुल्कों का है, ये तो इंटरनेशनल लेवल का केस है। और जिस केस को एक साल तक उसने एपी सिंह ने इतना उलझा के रखा है उस केस को सुलझाने में उनको पहले तो इतना टाइम लगा, पहले तो 2 हफ्ते तो उनको समझने में लगे। तो जो भी लोग, और सेकंड बात, मैं बहुत जगह ये सुन रही हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बोल चुकी हूं, अभी भी बोल रही हूं और हमेशा बोलती रहूंगी, जब केस कोर्ट में चला जाता है मेरे पढ़े लिखे बहन भाइयों, जब केस कोर्ट में चला जाता है ना उसके बाद कोई भी जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, कोई हैं, उनका काम नहीं रह जाता है, उनके संज्ञान में है, वो तब काम कर सकते हैं जब कोर्ट उनको आदेश देगा। ये ख्याल रखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, इदारों को कोसने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक कोर्ट फैसला नहीं देता है, कोर्ट उनको इजाजत नहीं देता है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट ही